सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश है आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम आज जानने वाले हैं कि कभी जैसे चढ़ाई वाली या हिल वाली पोजीशन में आता है ना, तो हम वहां पे अपना क्लच और ब्रेक सही से कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, गाड़ी कई बार हमसे बैक आ जाती है। आपने देखा होगा कभी, मान लीजिए किसी स्लोपी जगह या चढ़ाई वाली जगह है, ठीक है, अगर वहां पे ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है, और हमें बार बार क्लच रिलीज करना है, गाड़ी आगे बढ़ाना है, तो होता क्या, हमसे कई बार गाड़ी बैक हो जाती है और कई बार हिट भी हो जाती है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो आती है वो मेनली बिगनर्स के साथ थोड़ी ज्यादा आती है। तो उनके लिए मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने बताया हैं तीन तरीके। ठीक है, आप तीन तरीके से अपना क्लच रिलीज कर सकते हैं और आपकी गाड़ी एक भी इंच पीछे नहीं जाने वाली है और आप आराम से अपनी जो स्टैंडिंग पोजीशन है कार की वहीं से आगे बढ़ सकते हैं, और अगर रोकना है तो फिर रोक सकते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस, आ गए हम ऐसी लोकेशन पे जहां हमें आगे मिलने वाली है चढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और दिखाते हैं आपको कैसे हमें क्लच कंट्रोल करना है। तीन बेहतरीन तरीके आपको बताता हूँ जिसके जरिए आप अपना क्लच कंट्रोल कर सकते हैं और आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। सो गाइस, आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, गाड़ी कर ली है अपने अपनी स्टार्ट, और अभी ना ये देखिए चढ़ाई पे खड़ी हुई है गाड़ी और मैंने कुछ नहीं दबा रखा। ठीक है, सिंपली हैंड ब्रेक पे जो है वो गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं हैंड ब्रेक रिलीज करूंगा ना तो साथ ही साथ गाड़ी पीछे जाना चालू कर देगा। अभी मैंने ब्रेक दबाया और उसके बाद हैंड ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने हैंड ब्रेक जो है वो पूरा प्रॉपरली रिलीज कर दिया है। तो अब आपको दिखाने के लिए कि आगे चढ़ाई है, कैमरे में शायद उतना अच्छे से जस्टिस नहीं हो पा रहा हूं, तो जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा देखिए गाड़ी पीछे जाएगी। ये देखिए गाड़ी पीछे जाना शुरू कर दी है। ये देखिए गाड़ी पीछे जाने लगी है। अब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो रुक जा रही है, अगर मैं पूरी ब्रेक छोड़ दूं ना तो गाड़ी बहुत तेजी में पीछे चली जाएगी। तो मैंने ब्रेक लगा लिया, और सबसे जो पहला मेथड है हमारा वो हैंड ब्रेक से ही रिलेटेड है। ठीक है, हम अपना हैंड ब्रेक लगा रखेंगे ऐसे। अब अगर मान लीजिए आप कभी ऐसे हिल वाली पोजिशन में अटक गए हैं, या मान लीजिए कोई चढ़ाई है और वहां पे आपको गाड़ी आगे करनी है और पीछे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, पीछे एक भी इंच नहीं जानी चाहिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला मेथड है हम पूरा क्लच दबाएंगे, ठीक है, फर्स्ट गियर लगाएंगे और हैंड ब्रेक अभी साथ में लगा रहने देंगे। ठीक है, हैंड ब्रेक हमारा लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, क्लच को ऐसे पोजीशन तक रिलीज करेंगे जो हमारा बाइटिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जहां पे हमारी गाड़ी जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी और हम अपना राइट वाला फुट जो है वो एक्सेलेटर पे रख लेंगे। ठीक है, अभी एक्सेलेटर देंगे नहीं, जब हम देखेंगे कि हाँ गाड़ी, अब मुझे लग रहा है कि हाँ वाइब्रेट होने लगी है, ये देखिए अब मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है, कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, तब अब हमें क्या करना है, देखिए धीरे धीरे हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज करना है और गाड़ी हमारी आगे बढ़ना चालू कर देगी। ये देखिए अगर और तेजी में बढ़ानी है तो आप एक्सेलेट कर देंगे और क्लच छोड़ेंगे और पूरी गाड़ी जो है वो हमारी आगे बढ़ जाएगी इस तरह से। ठीक है, देखिए अभी गाड़ी आगे बढ़ गई। तो ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड। अभी देखिए मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो ये देखिए फिर पीछे जाने लगी है। ठीक है, तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो पीछे जाएगी, क्योंकि चढ़ाई वाली पोजीशन है ना, तो आपको चढ़ाई वाली पोजीशन में कैसे उठाना है, फर्स्ट मेथड है हमारा, हम हैंड ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं फिर से अपनी पोजीशन में आता हूँ, पीछे जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए कितनी तेजी में पीछे जा रही है। तो ये देखिए अभी मैं पीछे आ गया। ठीक है, सिंपली मैंने हैंड ब्रेक अभी लगा दिया और गाड़ी छोड़ दिया। तो अब आते हैं अपने सेकंड मेथड पे। ठीक है, सेकंड मेथड पे हमें हैंड ब्रेक का यूज नहीं करना है, इसलिए मैं हैंड ब्रेक हटा देता हूँ और मैंने ब्रेक दबा लिया। ठीक है, फुट से ब्रेक दबा लिया और हैंड ब्रेक छोड़ देता हूँ, हैंड ब्रेक का कोई काम नहीं है, हैंड ब्रेक हमें नहीं यूज करना है सेकंड मेथड में। ठीक है, तो अब क्या करा, सिंपली हमने देखिए क्लच दबाया और फर्स्ट गियर लगाया। ठीक है, अब देखिए आप मेरे फुट मूवमेंट देखिएगा, मैं क्या करूंगा, फिर से क्लच रिलीज करूंगा, बाइटिंग पॉइंट तक लाऊंगा जहां मुझे लगेगा कि मेरी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और यहां से थोड़ा क्विक मूवमेंट होगा। ठीक है, आप देखिएगा अच्छे से कि क्विक मूवमेंट क्या होगा, कि मैं जैसे ही ब्रेक पे से पैर हटाऊंगा मेरा वैसे ही फुट जो है तुरंत एक्सेलेटर पे जाएगा। ठीक है, अभी मेरी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ना चाह रही है, क्योंकि क्लच जो है वो बिल्कुल बाइटिंग पोजीशन की सिचुएशन पे है, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। तो देखिए अभी मैं क्विकली करता हूँ इंटरचेंज अपना फुट राइट वाला ब्रेक से एक्सेलेटर पे। ये देखिए गाड़ी आगे बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, और जब आपको रोकनी है तब ब्रेक लगा लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड मेथड, जिसमें हमें क्या करना है, हमने हैंड ब्रेक का कोई भी यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने फुट से कंट्रोल करना है, क्लच ब्रेक और एक्सेलेटर तीनों एक साथ होंगे। ठीक है, लेफ्ट वाला फुट सिर्फ क्लच के लिए रिलीज होगा, और हमें जो ट्रांजिशन करना है अपने ब्रेक और अपने एक्सेलेटर के बीच में बहुत ही क्विक करना है। ठीक है, अभी देखिए मैं ब्रेक रिलीज करता हूँ, ये देखिए गाड़ी फिर से पीछे जाने लगी हमारी, फिर से पोजीशन पे आ जाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेक लगा लिया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड मेथड, जिसमें हमने क्विकली इंटरचेंज किया अपने ब्रेक और एक्सेलेटर के बीच में, ताकि हमारी जो है अच्छे से आगे गाड़ी बढ़ सके। अब आते हैं अपने थर्ड और लास्ट मेथड पे। ठीक है, ये मेथड थोड़ा बिगनर्स के लिए नहीं है, आप अगर थोड़ा चला लेते हो तभी आप ये ट्राई करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने देखिए अभी मैंने ब्रेक दबा रखा है, तो सिंपली मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच दबा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं ब्रेक भी नहीं यूज करने वाला हूँ, इसमें मैं जो है
गाड़ी को होल्ड करके रखूंगा अपने क्लच और एक्सीलेटर पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो जैसे आप उठा रहे हो तो आपको ब्रेक हटा के ही उठाना पड़ेगा, इसके बाद मैं यूज नहीं करूंगा और कहीं भी रोक सकता हूं, कहीं भी बीच में रुक जाऊंगा, ब्रेक का यूज नहीं करने वाला हूं। तो ये देखिए, ये मैंने आगे बढ़ाया और ये देखिए यहां पे मैंने रोक लिया, ठीक है। अब ये देखिए गाड़ी रुकी हुई है किसकी पोजीशन पे, सिर्फ क्लच और एक्सीलेटर पे। देखिए गाड़ी मेरी रुकी हुई है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल भी पोजीशन सही है और ब्रेक भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं क्लच दबा लूंगा यहां से तो मेरी गाड़ी पीछे जाने लगेगी और अगर एक्सीलेट करूंगा तो आगे जाने लगेगी। ये देखिए अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूं, ये देखिए मैंने क्लच दबाया, ये देखिए पीछे जाने लगी। अब मुझे होल्ड करना है यहां पे तो मैंने क्लच इतनी अच्छे से कंट्रोल कर रखा है कि ये देखिए मैंने फिर रोक लिया, ठीक है। अभी मैं देखिए फिर आपको पीछे जाके दिखाता हूँ, ये देखिए क्लच दबाया, गाड़ी मेरी पीछे जाने लगी और यहाँ पे मुझे रोकना है, तो ये देखिए मैंने होल्ड ऑन कर लिया, ये देखिए अच्छे से रुक गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको रोकनी है और अगर आगे बढ़ानी है तो ये देखिए सिंपली ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगा, ये देखिए आगे बढ़ाई और अभी ढाल है, ठीक है। तो ये देखिए अगर मुझे यहाँ रोकना है तो मैंने सिंपली पहले क्लच दबाया, अब यहाँ से मेरी गाड़ी जो पोजीशन पीछे जाने लगेगी तो मैंने यहाँ से होल्ड कर लिया, ये देखिए। अब इस पोजीशन में होगा क्या कि बहुत बारी लोगों से गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस मेथड को करने के लिए आपको बहुत अच्छा कमांड चाहिए अपने क्लच के ऊपर, ठीक है। सो गाइस, ये थे तीन मेथड जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हमें क्लच अपना कंट्रोल करके अपनी गाड़ी को होल्ड करना है हिल वाली पोजीशन में, या मान लीजिए चढ़ाई वाली पोजीशन में हमें कैसे होल्ड करके रखना है अपना क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर तीनों का सिस्टम यूज करके, और कैसे हम अपनी गाड़ी जो है वो बिना पीछे जाए हुए आगे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, तो आप कोशिश करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से मेथड्स आ जाएंगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कॉमेंट बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और गाइज अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करिए, कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली जाके डीएम कर सकते हैं, आंसर आपको तुरंत देने की कोशिश रहेगी। गुड बाय।